नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, दो मिनट पहले भयंकर भगदड़ मच गई है। पटना के पालीगंज में खेत जोतने के समय किसान को जमीन में गड़े 500 और 1000 के पुराने नोटों की बोरियां मिली है, जिसके बाद नोट देखने और उसे लूटने की होड़ मच गई है। एक बीघा का खेत दोस्तों ट्रैक्टर जोत रहा था, तभी अचानक जगह जगह दोस्तों 500 और 1000 के नोटों से भरे कट्टे दोस्तों मिले हैं, जिसकी वजह से गांव में भयंकर भगदड़ मच गई थी। लोगों ने दोस्तों सारे रुपए लूट लिए थे। बाद में मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोस्तों चप्पे चप्पे पर पुलिस हो गई। राजधानी पटना में खेत में ट्रैक्टर से जुताई के दौरान 500 और 1000 के नोट निकलने लगे हैं। इसके बाद इलाके में नोट लूटने वाले और दोस्तों देखने वालों की भीड़ लग गई। दरअसल यह हैरत अंगेज मामला पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के सिंगोड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पसोड़ा गांव में जमीन से नोट निकलने की बात सुनते ही दोस्तों हजारों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके हाथ जितने नोट लगे वहां से लेकर फरार हो गए हैं। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक खेत के सभी नोट गायब हो गए थे, लोग लेकर फरार हो गए। फिलहाल फरार लोगों की पहचान की जा रही है और पैसा किसका है, कब से जमीन में दफनाया गया है, ये नोट मिलने के बाद यह पता चलेगा कि आखिर यह पैसा किसका गड़ा। जैसे ही दोस्तों ट्रैक्टर ने खेत की जुताई शुरू की, हड़ों के अंदर दोस्तों नोटों के कट्टे उखड़ाए थे और बाद में दोस्तों जैसे ही यह पता चला कि इनमें दोस्तों पैसा भरा हुआ है, यहां पर दोस्तों भयंकर भगदड़ मच गई थी। तो बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर एक बीघे के खेत के अंदर जगह जगह दोस्तों नोट के कट्टे मिले हैं, जिसकी वजह से अब पुलिस वहां पर तैनात है और छानबीन में जुट गई है। तो आपको प्रत्येक अपडेट मिलेगी। आपसे विनती है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।